डिलीशियस फूड। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है फ्रेंकी की रेसिपी, वेजीज फ्रेंकी। तो हम आप देखें मैं इसको कैसे प्रिपेयर करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसके फ्रेंकी को हम केचप एंड मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये स्टार्टर रेसिपी है, बच्चों बड़ों को सबको अच्छी लगती है एंड बहुत इजी भी है। ऐसी इजी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप भी मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए मैं इसको कैसे प्रिपेयर करती हूँ। ऐसे अच्छे अच्छे पीसेस मैंने रेडी किए हैं, तो देखिए अब हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंकी के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है, मैंने कैरेट्स लिए थे, एक बड़ी बिग कैरेट ली है, उसको ऐसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है ग्रेटर में। और ये मैंने अनियंस लिए हैं, अनियंस को भी ऐसे पतला पतला कट कर दिया है। ये मैंने लिया है कैबेज, तो कैबेज को भी मैंने ग्रेट कर दिया है। ये कैप्सिकम लिया है, उसको पतला पतला ऐसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। फिर हमने यहाँ पे पनीर लिया है जो मैंने घर का बनाया हुआ है। और ये लिए है ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स, और हमने यहाँ पे अमूल की चीज़ ली है, क्यूब चीज़, और मोज़रेला हम दोनों यूज़ करने वाले हैं। एंड मेयोनीज यूज़ करने वाले हैं मेयोनीज एंड पास्ता पिज़्ज़ा सॉस। और जो पता है रोटियाँ होती है पतली पतली फ्रेंकी की, तो उसके लिए मैं पूरा मैदा यूज़ नहीं करने वाली हूँ, आधा मैदा और आधा ये आटा, दोनों हाफ हाफ क्वांटिटी में यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मैदा इतना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो हम हाफ हाफ क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। और उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट, मैं दिखाती हूँ आपको आगे कैसे करते हैं हम। अब हमने एक थाल ले लिया है, हम उसमें ये मैंने मैदा ऐड कर दिया है और ये मैंने आटा इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून जितना इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। और इसका हम डो बना लेंगे। अब मैं यहाँ पे मेयोनीज इसमें एक छोटे से बाउल में ले रही हूँ। जितनी क्वांटिटी में मेयोनीज ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में हम ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ऐड करेंगे। सेम इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए दोनों की, कम ज़्यादा नहीं करें। अब हम इनको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। मिक्स करके हम इसको साइड में रख देंगे। ये हमारी सॉस मिक्स हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वेजीज ले लेंगे जो मैंने ग्रेट करके रखी है। जितनी क्वांटिटी में आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से, ये 10-12 फ्रेंकीज के लिए मैंने इतना ये वेज मसाला लिया है, इतनी वेजीज। और ये मैंने थोड़ा पनीर में ऊपर से ऐड करूँगी, अभी नहीं, ये मैंने सारा ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, ये रेड चिली फ्लेक्स एंड ओरेगानो सेम क्वांटिटी, हाफ हाफ स्पून। और ये हम इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। अब हम इनको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये मैंने ये वेजीज पूरी मिक्स कर दी है सारी। अब मैं रोटियां बना लूंगी जो हमने डो प्रिपेयर किया है उससे। यहाँ पे जितना मैंने क्वांटिटी में आटा और मैदा लिया था उसमें से मेरे 12 लोइयां बनी है, तो इतने इतने हमें इतनी इतनी रोटियां बेल देनी है ऐसे, और इतनी लोई बना के। और ऐसे हम अपनी पहले हम सारी रोटियां बेल देंगे अच्छे से, फिर हम एक उसको एक 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 सेकेंड पकाना होता है, ज़्यादा नहीं कच्चा पका ही पकाना होता है। मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैंने ये गैस की फ्लेम ऑन कर दी थी और ये इसको एक एक सेकेंड पकाते जाना है। ये रैप शायद बाहर से भी मिल जाते हैं कहीं कहीं पे, ऐसे रैप्स
ऐसे उसको कच्चा पक्का बस पका के और निकालते जाना है प्लेट में से। हम दूसरी भी जो रोटियां बनाई है उनको प्लेट में निकालते जाएंगे। ये देखिए, फिर इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे ऑयलिंग करती जाऊंगी। अब देखिए, ये हमारी सारी कच्ची पक्की रोटियां बनके एकदम से रेडी हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, ये एक एक रोटी उठाते जाएंगे और इसमें ये जो हमने मेयोनीज और सॉस की, ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस वाली, ये हमने जो सॉस है बना के रखी है वो, फिर ये वेजीज सारी इसमें ऐड करेंगे। ये ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो मैंने घर का पनीर रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें ये जो मोज़रेला चीज़ है वो इसमें जाएगा। अच्छे से चीज़ ऐड करना है तो ही फ्रेंकी का बहुत मज़ा आएगा, खाने में भी एकदम टेस्टी लगेगी। और ये हम क्यूब चीज़ ऐड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ऐड हो गई। अब चाहे तो बहुत तीखा या मसालेदार खाना है तो थोड़ा सा ओरिगानो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करके हमें इसे इसको रैप कर देना है ऐसे। तो ऐसे सारे फ्रेंकी हमें ऐसे रेडी कर देने हैं, फिर हम इसको पैन पे लेते जाएंगे। ये देखिए, हमने ऐसे रैप्स रेडी कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पैन पे थोड़ा सा ऑयल बटर जो भी आपको यूज़ करना है, मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारे ये फ्रेंकी के रैप्स हम इसे रखते जाएंगे। अब क्या करेंगे, एकदम लो फ्लेम पे इनको ढक के, ये देखिए एकदम लो फ्लेम पे ऐसे मैंने कवर करके इसको, और ये मैं ऊपर से वजन लगा दूंगी दो दो मिनट के लिए, दोनों साइड सेकेंगे इसको। ये देखिए, एक तरफ से अब सिक गई है तो हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। अब हम फिर से इसको ढक्कन लगा के, थोड़ा सा मैंने ऑयलिंग कर दिया था दूसरी साइड भी, फिर अब हम वापस से इसको ढक्कन लगा के दो मिनट के लिए रख देंगे। अब हमारी सारी फ्रेंकीज रेडी हो गई हैं। तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, फिर दूसरी डाल देंगे। ये देखिए, हमारी फ्रेंकी एकदम बनके रेडी हो गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको साइड से ऐसे लंबा लंबा ऐसे कट कर दिया है अच्छे से। अब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। अब मैं इसके ऊपर ऐसे चीज़ ग्रेट कर दूंगी। ये मैंने इसको अच्छे से प्लेट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर चीज़ ऐसे ग्रेट कर दूंगी। अच्छे से चीज़ ग्रेट करनी है। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर से ओरिगानो एंड चिली फ्लेक्स थोड़े से ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमारी फ्रेंकी एकदम से बनके रेडी हो गई है एंड इसको हमने अच्छे से सजा दिया है, जैसे ऐसे लगे कि अभी खा लें। माउथ मेल्टिंग रेसिपी है, तो आप भी ज़रूर से अपने घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।